हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुक्रुत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहां पे देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना और एन्जॉय करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी A52 4G और A72 4G को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को काफ़ी फीचर पैक्ड स्मार्टफोन देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A52 जो है वो आप लोगों को यहाँ पे डिसेंट प्राइसिंग पे देखने को मिलता है, और A72 जो है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपेंसिव या फिर ओवर प्राइस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर इनके की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप लोगों को 90 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 4500 mAh की बैटरी है, IP67 जो है वो आप लोगों को इसमें रेटिंग भी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्लस पॉइंट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड कैमरा सेटअप रियर की साइड में देखने को मिल जाएगा OIS के साथ में, जो कि ये भी एक आप लोगों को प्लस पॉइंट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज चीज़ जो है इस फ़ोन में वो है इसका चिपसेट, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। अगर प्रोसेसर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता तो ये स्मार्टफोन जो है इस प्राइस रेंज में आप लोगों को सबसे बढ़िया स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाता। और इनकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी A52 आप लोगों को दो वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। 6GB रैम 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आप लोगों को देखने को मिलता है 26,500 रुपीज़ का, और जो इसका हायर वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB वाला वो आप लोगों को देखने को मिलता है 28,000 रुपीज़ का। जहाँ पे अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी A72 की बात करूँ तो ये भी आप लोगों को दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। 8GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो है इसका 35,000 रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिलता है। और इसका जो हायर वेरिएंट है वो आप लोगों को देखने को मिलता है 8GB प्लस 256GB 38,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो A52 और A72 में बहुत माइनर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर से बता देना कि आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A52 और सैमसंग गैलेक्सी A72 इन स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे कैसी लगी। पर्सनली मुझे जो है वो सैमसंग गैलेक्सी A52 का जो बेस वेरिएंट है वो यहाँ पे रिलेवेंट लगता है। बाकी सारे जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के वजह से जो है वो ओवर प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप लोग जो है वो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं माइक्रोमैक्स की तरफ। और माइक्रोमैक्स इन वन ये जो स्मार्टफोन है ये आज इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है। इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, लेकिन अगर इसके की स्पेसिफिकेशंस की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक हीलियो G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आप लोगों को ये फ़ोन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट की तरफ जो है वो सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, और रियर की साइड में आप लोगों को एक कैपेबल कैमरा सेटअप जो है वो इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इस फ़ोन की जो है वो आप लोगों को खासियत यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके आप लोगों को जो है वो दो वेरियंट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है वो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाती है बेस वेरिएंट की, जो कि है 4GB रैम और 64GB, वो आप लोगों को सिर्फ 10,000 रुपीज़ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसका जो हायर वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB वाला, वो आप लोगों को 11,500 रुपीज़ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग जो है वो फिलहाल के लिए इंट्रोडक्टरी है, इसमें आप लोगों को जो है वो प्राइस इंक्रीज थोड़े दिन में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका बजट है 10,000 रुपीज़ से लेकर 12,000 रुपीज़ के आसपास, तो आप लोगों को जो है वो माइक्रोमैक्स की तरफ से ये एक फीचर पैक्ड बेसिक फ़ोन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि माइक्रोमैक्स इन वन की प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कैसी लगी। तो अब बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। और OnePlus वॉच का ऑफिशियल फर्स्ट लुक जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है, और अनबॉक्स थेरेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे इसकी ऑफिशियल इमेज जो है वो यहाँ पे शेयर कर दी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि OnePlus वॉच आप लोगों को यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी, और बाकी सारे डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे 23rd ऑफ मार्च को जो है वो देखने को मिल ही जाएंगे। और OnePlus की यहाँ पे बात करें तो OnePlus 9 सीरीज़ में जो एक अफोर्डेबल लाइटर वेरिएंट लॉन्च होने वाला था, इसका नाम जो है वो अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है।
OnePlus 9R 5G ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस OnePlus 9 सीरीज में। और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइसिंग होती है OnePlus 9R 5G की और क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है इस स्मार्टफोन के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं पोको की तरफ और पोको X3 Pro का जो कैमरा है वो भी आप लोगों को इस बार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा जो है वो अनुज शर्मा ने पोको के ऑफिशियल पेज पे एक वीडियो शेयर करके यहाँ पे बता दिया है। और जितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस होने वाला है उतना ही अच्छा इसका कैमरा भी आप लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे अनुज शर्मा ने जो है वो क्लेम किया है। तो देखते हैं यहाँ पे पोको X3 Pro जो है वो हमारे लिए क्या खास लेके आता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या प्राइसिंग हमें इस फ़ोन की इंडिया में देखने को मिल जाती है। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है Redmi की तरफ से। और Redmi K40 या फिर Poco F3 या फिर Mi 11X ये जो स्मार्टफोन है इसका IMEI नंबर जो है वो इंडिया के IMEI डेटाबेस पे यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। इसका मतलब इसका लॉन्च जो है वो आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये स्मार्टफोन जो है वो कौन से नाम से लॉन्च होता है और कितनी जल्दी हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाता है। और अगर अच्छी प्राइसिंग पे ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को जो है वो ये फ़ोन यहाँ पे बिल्कुल से हिला देगा। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।